हम हेलो हम सब मिलकर एक भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर नागपुरच्या वतीने बाबाच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा नवं हवन कार्य आदरणीय काय नाव यांचं निंबुलकर आदरणीय निंबोलकर यांच्या निवासस्थानात पार पडलं आणि त्यानिमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरु व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी ह्यासुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचकर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय नेवारे आदरणीय नेवारे साहेब यांनासुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीचे उपाध्यक्ष आमचे मोठे बंधू आदरणीय राजहंस काटेकरजी यांनासुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचकर उपस्थित मंडळाचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय सोनकुसरे काकाजी आदरणीय मंडळाचे संचालक पडोडे साहेब आदरणीय माजी संचालक वाघमारे साहेब मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय हेडाऊ साहेब मंचकर उपस्थित धनाडे साहेब मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय गायदाणे भाऊ आणि उपस्थित मंचकावर सर्व मंडळाचे मार्गदर्शक कार्यकर्ता या कार्यक्रमाचे संचालककर्ते आयोजक आदरणीय येलोरे भाऊ आणि त्याचप्रमाणे ह्या परिसरातील मार्गदर्शक आदरणीय सोरते काकाजी त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित माझे सर्व कार्यकर्ता मंडळाचे मार्गदर्शक सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना नमस्कार। नमस्कार जी, अभी तक हमने यहाँ पे काफ़ी अनुभव हमने सुना है और हम हर बार हर प्रोग्राम में भगवत कृपा का परिचय ऐसे ही अनुभव के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आदरणीय पडोड़े ताई उन्होंने अनुभव बताए कि किस प्रकार से संसार में ये कृपा कार्य करती है, कैसे भगवान की मर्जी चलती है और इस मार्ग में, इसलिए हमने पहले ही दिन मरने का वचन दिया। हम कई बार, मैं उस दिन प्रोग्राम में गया था आदरणीय हेडाऊ साहब के एरिया में, तो उन्होंने भी बहुत सुंदर, वहाँ के एक भाई आई थी और उन भाई को तीन बच्चे जो हुए हैं, बड़ा चमत्कार है ना। कई बार ऐसे अनुभव हमको लगता है कि एक से एक बड़े अनुभव, जैसे मेरे बेटे का जन्म हुआ घर में ही, तो हमें बड़ा चमत्कार लगता था उसको देख के कि घर में डिलीवरी हुई, ठीक है। लेकिन जब मैं शंकर बाबू हेडाऊ इनके एरिया में उस दिन प्रोग्राम में गया था उनके गट में, तो वहाँ का अनुभव देख के तो मुझे, मैं तो एकदम क्या बोलूँ, मैं तो सरप्राइज हो गया। और वो भाई, वो तीनों बच्चे, डॉक्टर का रिपोर्ट झूठ गया, डॉक्टर बोलता है कि पेट में दो बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे होते तीन, ठीक है, क्या बोलेंगे आप, हाँ। और वो बच्चे दवाखाने के पहले, दवाखाने में भी जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, और उनका फ़ोन आता है। देखो कैसा व्यवहार होना चाहिए, भगवान मार्गदर्शक और सेवक, इनके बीच में बड़ा अद्भुत रिलेशन बाबा ने बना के रखा है, बहुत ही सुंदर। ये नेटवर्क बड़ा सुंदर काम करता है, जैसे मोबाइल है ना, ये मेरा मोबाइल, सबके मोबाइल, इसका नेटवर्क है टावर से, और वो टावर इंटरनेशनल टावर से जुड़ा होंगे ना, सैटेलाइट से जुड़ा है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, बीच में बाबा है और बाबा ने कनेक्शन करके दिया हमारा किसके साथ में, वो इंटरनेशनल इंटर सैटेलाइट है जो दिखता नहीं है, सैटेलाइट दिखता है क्या आपको, लेकिन ये मोबाइल पे काम कर रहा है ना। तो जो बच्चे हैं, लेकिन हेडाऊ साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाई भगवान तेरे साथ में है ना। डॉक्टर बोलता है ये बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन डॉक्टर हेडाऊ साहब बोल रहे कि डॉक्टर है, एक बड़ा डॉक्टर है, जैसे राउत गुरु जी बोलते हैं, है ना, एक बड़ा डॉक्टर है। तो इस प्रकार से ये हमारा विश्वास, ये आत्मबल इस मार्ग में बहुत ज़रूरी है और इस प्रकार से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब जब सुख मिलता है, शांति मिलती है,
तो ये जो बाबा कहते थे कि मेरे जो सेवक है मरने का वचन दिया है, वो कितना टिके हुए उसके ऊपर, कितने दिन का वचन दिया उन्होंने, 3 दिन का दिया, 5 दिन का दिया कि 10 दिन का दिया, तो बाबा ने बोले मरते दम तक का वचन दिया। बोले बाबा ने मरते दम का दम तक का वचन दिया, बोले हम ना धन के पीछे दौड़ेंगे, ना भोग के पीछे दौड़ेंगे, ना पद के पीछे दौड़ेंगे। बरोबर है, पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, लेकिन बाबा का दीवाना बाबा में समायो। तो हमें जाना कहाँ है, तो हमें जो आज मुक्ति मिली, जो आनंद मिला, जो सुख मिला, जो शांति मिली, यहाँ कितने लोग अपना अनुभव बताते हैं। या हमारे नागसेन भाव में भी, उनका बच्चा मेरे ही गोद में था, ठीक है, अभी मैं यहाँ बैठा था, तो ये बहुत पहले मिले थे उनके यहाँ पे परिवार में, वो उनको बच्चे के लिए बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत योग मांगते, लेकिन उनका विश्वास इतना टीका, इतना आत्मबल कि कुछ भी हो जाए भगवान मुझे योग देगा। वो अपने पति पत्नी अपने कार्य करते गए, एक बेटा हुआ, आज उनका दूसरा भी बेटा मैंने देखा है, ठीक है। कितने सारे अनुभव है इस मार्ग में, कितने सारा योग है, तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, और पड़ोड़े ताई ने बताया है, लेकिन ये सारा कमान भगवान के हाथ में है। मानव मर्जी नहीं चलेगी, कितना भी दिमाग लगाए आदमी, यहाँ बुद्धि विदाता भगवान है। इसलिए बाबा ने अपने लड़के को भी बोला, तू अपना दिमाग मत लगा, बोले है ना, तुझे जितना जमता है उतना कर। आदमी बहुत दिमाग लगाता है, और जितना आदमी सुखी होता है तो और ज़्यादा दिमाग लगाता है, धनी बनता है तो और दिमाग लगाता है, और दिमाग लगाता है, लेकिन रुकना पड़ेगा आज आके तत्व शब्द नियम पे। आज रुके नहीं तो कोई भी रुके, लेकिन सवेरे मी को मारेगा, शाम को प्रार्थना बोलेगा तो मरिया जी भगवत नाम पर बोलेगा, है ना, बोलेगी नहीं। तो दिन भर कितना भी आड़ा टेढ़ा काम करे आदमी, लेकिन रात को रुकना ही पड़ता है। कहाँ रुकना पड़ता है, मरिया जी भगवत नाम पर, और तब तक प्रार्थना फलित ही नहीं होगी। जब तक सेवक मरेगा नहीं तो प्रार्थना फलित नहीं होगा। और सारे सोल्यूशन है, देखो पहला दिन हमें इसलिए याद रखना है, वो पहला ही दिन हमारा सबसे बड़ा फलित है कि हमने सिर्फ वचन दिया, दुख दूर हुए। कितने भी जीवन में प्रॉब्लम आए, सबन ने अपने पैरों के तरफ देखे, अपने कदम कहाँ गलत हुए यही देखना है, बार बार देखना है कि मेरे कदम कहाँ गलत हो रहे हैं। इसलिए मुझे मेरे मैं को मारना है, पूरा परिवार को चिंतन करना है, और इस प्रकार से ये परिवार जब अच्छा हो जाता है, फिर हमारा सेवकों का परिवार आता है ना। यहाँ सोनकुसरे काका जी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवकों को जगाने के लिए दिया, काम किया, कार्य किया, लेकिन बात वहीं पे आके अड़ जाती है कि जो बाबा बार बार बोले, क्या बोले बाबा, बाबा बार बार बोले कि मैंने सेवकों को दिशा कौन सी दिया, हमारे मार्ग की दिशा है, हमारे मंडल की दिशा है, मानव मंदिर सजाना मार्ग की दिशा है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। लेकिन ये मंडल है, ये संसार है, इतने सारे मार्गदर्शक है, लाखों सेवक है, आने वाले समय में आपको मालूम है ना, कुछ लोगों को जीतना है, किसी को किसी को हराना है। परिवार में भी हमने कई देखा, कई बार हम जब सुखी होते रहते तो हमको और सुख चाहिए, हमको और सुख चाहिए, लेकिन अभी पड़ोड़े ताई ने बताया कि मर्जी भगवान की चलेगी। किसकी चलेगी, यहाँ पे मर्जी भगवान की चलेगी। तो इस मार्ग में ना किसी को जीतना है, ना किसी को हराना है, ना किसी को जीतना है, ना किसी को हराना है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास करना है। ये दृष्टि जब भगवान के सामने रखेंगे तो भगवान खुश होगा। और लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, कौन सी कहानी सीखते आ रहे, बच्चे भी बोलते पापा, हम भी हमारे बच्चों को बोलते कि बच्चा तुझे जीतना है, बराबर है, बच्चों को बोलते हैं। मुझे मालूम है समय बहुत कम है ना, ये लोरे भाऊ आए तो समय ध्यान में रख रहा हूँ मैं भी, मेरे बच्चे जब हम हमारे बच्चों को भी बोलते हैं कि देख तू नंबर वन आना चाहिए, बराबर कि नहीं, लेकिन बाबा अपने बच्चों को बोलते हैं, डॉक्टर मनोज टुंबरीकर, तुझे जितना जमता है उतना कर, मेरा भगवान तुझे कम नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, कम नहीं देगा। मेरी भी बच्ची मुझे, मेरे पास में कहीं आती, पप्पा मैंने 1 माइल पूरे विदर्भ में सबसे ज़्यादा, मैं बोला बेटा तुझे किसी को जीतना नहीं है ना, बेटा तुझे किसी को जीतना नहीं है, तेरा तू जो क्रिकेट खेलती है तुझे मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। सेवक भी जब अपने मस्ती में रहे, भगवान के साथ रहे, उसको आनंद आना चाहिए, है ना। लेकिन हम बचपन से हार जीत की बात सीखते आए, इसको हराना, उसको हराना, उसको जीतना। हमने भी ऐसी कहानी पढ़, हमारे किताबों में भी गलत दिया गया हमें। मैं भी छोटा था तो एक कहानी सुनता था, एक किताब में पढ़ता था कि एक कछुआ था और एक खरगोश था, और उन्होंने वो जंगल में रेस लगाई, और रेस लगाई
डिसाइड किया कि यहां से दौड़ेंगे और वहां तक जो पहुंचेगा वो जीतेगा। कछुआ और खरगोश दोनों दौड़ने निकले, दोनों दौड़ने निकले तो खरगोश तो ज्यादा तेज दौड़ता है, तो खरगोश तेज दौड़ा और एक पेड़ के नीचे जाके सो गया, है ना, मालूम है सबको। ये कछुआ बेचारा धीरे धीरे गया और जीत गया सबको। अभी इसकी बात की कहानी मैंने बनाया, वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद कुछ साल हो गए, दो पीढ़ी तीन पीढ़ी हो गई, बोले ऐसा कैसा खरगोश हर गया, खरगोश हर ही नहीं सकता, उनके दादे पोते जब बोलेंगे तो सुनेंगे। जैसे हम बाबा की कहानी यहाँ पे हमारे देवगढ़े भाऊ ने जो प्रस्तावना बताया कि बाबा की दृष्टि कैसे भगवान के तरफ थी, तो भगवान की दृष्टि बाबा के तरफ और वही दृष्टि आज हम सबके काम में आ गई। तो हमारी दृष्टि किसी को हराने में है कि किस में है, तो दो तीन पीढ़ियों के पास बाद बच्चों ने पूछा जैसे हमारे बच्चे पूछेंगे कि ये जो मार्ग है राजकारण का है कि धर्मनीति का है, हमें भगवान की ओर जाना है कि राजकारण में जाना है, वैसे ही वो जब बच्चों ने पूछा, बोले अभी हम और रेस लगाएंगे, हमारा खरगोश हर नहीं सकता, और दोनों दौड़े, लेकिन इस बार खरगोश सोया नहीं, बराबर है कि नहीं, इस बार खरगोश सोया नहीं और रेस जीत गया। अभी कौन जीतेगा, खरगोश जीत गया। फिर ऐसे ही और कुछ साल चले गए और कुछ साल जाने के बाद और बच्चे बोलने लगे कि हमारा कछुआ कैसे हर गया, नहीं नहीं बोले और एक बार रेस लगाएंगे, और दोनों को लाइन में लगाया गया, दोनों दौड़ने निकले, लेकिन इस बार एक कंडीशन है, बोले बीच में नदी रखेंगे, बोले जो नदी को पार करेगा वो जीतेगा, बोले दोनों रेस में निकल गए, खरगोश आगे निकल गया, नदी जैसी पड़ी गिरी बीच में आई वो रुक गया, खरगोश धीरे धीरे गया, नदी तैरते हुए जीत गया। कौन जीत गया, अभी कछुआ जीत गया, बराबर नहीं, कछुआ जीत गया। फिर और कुछ साल चले गए, बोले ऐसा कैसा खरगोश हर गया, और एक बार रेस लगाएंगे, बराबर नहीं, और रेस लगाई गई, अभी बोले जंगल में आग लगाएंगे, जो आग को पार करेगा वो जीतेगा, दोनों और निकले, बीच में ये कछुआ जो है जैसे आग दिखी रुक गया, कछुआ रुक गया, लेकिन खरगोश ने क्या किया, वहां पे छलांग लगाते हुए जंगल को आग को पार किया, अभी कौन जीता, अभी खरगोश। ऐसे ये जीतने वाली हारने वाली कब तक सुनेंगे, कब तक बच्चों को हम पढ़ाएंगे, तो भगवान छूट जाएगा, हमारे भी मार्ग में अभी यही लड़ाई चालू होगी, हमें जीतना है, हमें हराना है, हमें जीतना है, हमें हराना है, भाई ये कब तक ऐसा रहेगा। वो भी जंगल में वैसा ही रहा, फिर उसी जंगल से बाबा जुमदेव जी जा रहे थे, और उनको मालूम था कि बाबा जुमदेव जी ना हराना सिखाते हैं, ना जीताना सिखाते हैं, बाबा तो मरना सिखाते हैं ना, अरे मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होइए, तो बाबा जब मिले उन्होंने अपनी समस्या बताई कि बाबा हमें कब तक जीतते हारते रहेंगे, अरे बोले इसका आंसर आसान है, बोले कैसा आसान है, तो चलो बोले जीवन है दौड़ो, लेकिन जब नदी आएगी तो खरगोश बैठेगा नदी के वो कछुए के पीठ पे, खरगोश बैठेगा अभी कछुए के पीठ पे, दोनों पार कर लो, बराबर कि नहीं, और बाद में जब आग लगेगी तो अभी कछुआ बैठेगा खरगोश के पीठ पे और आपके पार कर लो। इस चक्कर में ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा, इसी का नाम है मानव धर्म, और ये हमें करना पड़ेगा। जितने भी जवाबदार लोग हैं इस मार्ग में, जो मार्गदर्शक है, जो संचालक है, जो इस एरिया के अलग अलग लोग हैं, जो चाहते हैं, मेरी विनंती है उन सबको कि हम सब मिलके इस मानव धर्म के झंडे को घर घर में कैसे पहुँचाएं, यही भाव, यही दृष्टि, यही उद्देश्य लग रखे, देखना कैसे हंसते खेलते हम आगे बढ़ेंगे, बराबर कि नहीं। हमें रोक सके जमाने में दम है, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, ये ताकत हम सब में है, जब हम एक मुट्ठी बनकर जिएंगे और आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, अरे मरने के सब इरादे जीने के काम है ना, जिन्होंने मरने का वचन दिया, चाहे पाठ पड़ोड़े साहब हो सब हो, लेकिन आज बाबा ने किसी को संचालक बनाया, किसी को सरपंच बनाया, या रवि भाव गायदनी है वो कहते कि मुझे सब कुछ मिला, उनकी बीबी राज पॉलिटिक्स में, सबको सब कुछ मिला, मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।